मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मौसम की लेटेस्ट खबर पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें यूएमबी न्यूज को। और किस जिले की मौसम जानकारी आप जानना चाहते हैं हमको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा पूरे देश के मौसम का हाल। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश, छाया अंधेरा। यूपी, हरियाणा और राजस्थान, एमपी समेत कई राज्यों में जोरदार बारिश की चेतावनी। मार्च का महीना बारिश के साथ खत्म होता दिख रहा है। गुरुवार शाम को नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली समेत एनसीआर के बड़े इलाकों में तेज बारिश हुई है और आंधी भी चली है। ज्यादातर इलाकों में अंधेरा सा छाया रहा। आसपास के इलाकों में भी बादल छाए हुए हैं। काले घने बादल छाने की वजह से अंधेरा सा हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार मार्च महीने का अंत उत्तर भारत में बारिश आंधी से हो सकता है। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा, पंजाब, यूपी और राजस्थान में अच्छी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटों में तेजी से मौसम में बदलाव होगा। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई शहरों में तेज आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई है। इसी के साथ किसानों को भी अलर्ट रहने को कहा है। पिछले कई दिनों से मौसम ठीक रहने के बाद बुधवार की शाम तेज हवा के साथ झमाझम बारिश शुरू हुई। बुधवार को हुई बारिश के चलते आज सुबह ठंडक भरी रही, हवा में ठिठुरन महसूस की गई। यूपी के इन जिलों में अलर्ट। मौसम विभाग ने यूपी के आगरा, बिजनौर, एटा, फिरोजाबाद, हरदोई, हाथरस, अलीगढ़, अमरोहा, बदायूं, बागपत, बरेली, लखीमपुर खीरी, मथुरा, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर, संबल, शाहजहांपुर, शामली, सीतापुर और श्रावस्ती में अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में आज फिर बारिश का दौर शुरू होगा। एक सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़ और बाड़मेर एरिया में फिर से बादलों से घिर गया। इन जिलों में आज दोपहर बाद तेज हवा चलने के साथ बारिश और कहीं कहीं ओले गिर सकते हैं। 31 मार्च से पूर्वी राजस्थान में होगी बारिश और ओलावृष्टि। 31 मार्च को इस सिस्टम का असर भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग के जिलों में देखने को मिलेगा। भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर और दौसा जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जबकि कोटा, बारा, बूंदी, जयपुर, टोंक, अजमेर, नागौर, चुरू और हनुमानगढ़ में भी इस दिन कहीं न कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश का मौसम। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के श्योपुर कला, नीमच और मंदसौर, सागर, ग्वालियर, चंबल, रीवा, भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर सहित कई जिलों को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बारिश के साथ बिजली गिरने के भी आसार हैं। इसके अलावा कई जिलों में बारिश के साथ आंधी चलने की भी उम्मीद है। 24 घंटों के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान। ग्वालियर, उज्जैन, चंबल संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर भोपाल, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, रीवा, सागर, इंदौर संभागों के लिए कहीं कहीं वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। इसके अनुसार ग्वालियर, उज्जैन व चंबल संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ वज्रपात होने की आशंका है। येलो अलर्ट कह रहा है भोपाल, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, रीवा, सागर, इंदौर संभाग के जिलों में कहीं कहीं वज्रपात एवं तेज हवा चलने की आशंका है। और बिहार का मौसम। मौसमी प्रभाव को देखते हुए राजधानी समेत गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल जिले को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का पूर्वानुमान है। वहीं शुक्रवार को उत्तर पूर्व भारत के सुपौल, सहरसा, किशनगंज, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में तेज आंधी और भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया में मेघ गर्जन के साथ वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी हुआ। और अंत में झारखंड का मौसम। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि झारखंड में 31 मार्च को कई स्थानों पर गरज के साथ हल्के दर्जे की बारिश के आसार है। इस दौरान वज्रपात भी हो सकता है। 1 अप्रैल को भी कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। 2, 3 और 4 अप्रैल को आसमान मुख्यतः साफ रहेगा, मौसम भी शुष्क रहेगा। 5 अप्रैल को आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं और मौसम शुष्क रहेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।